और चलिए अब रुख करेंगे देवभूमि की खबरों का। हेमकुंड साहिब में एक महिला श्रद्धालु की अभी तलाश जारी है। महिला तीर्थयात्री की तलाश में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 में से 5 तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू किया गया। SDRF IDPV के जवानों ने ये रेस्क्यू किया है। ऐसे में हेमकुंड के अटाला कोटी में हिमस्खलन में 6 श्रद्धालु फंस गए थे, जिनमें से 5 को रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है। SDRF और ITBP के जवान वहां पर मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन एक महिला श्रद्धालु अब भी लापता है, जिसको लेकर लगातार उसकी तलाश जारी है। लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी और जानकारी उनसे लेंगे। लक्ष्मण, अभी लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या कुछ इस पर निकलकर सामने आया है? क्या वो जो एक महिला श्रद्धालु थी उनकी तलाश अब तक हो पाई है? ये देखिए, हत्या इसमें एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जिस महिला श्रद्धालु का जो शव है, जिसको लेकर तलाश जारी थी, वो शव SDRF और ITBP के द्वारा बरामद कर दिया गया है और शव को जो स्थानीय पुलिस है उनके सुपुर्द कर दिया गया है। हालांकि बीते दिन जो 5 श्रद्धालु थे उनका रेस्क्यू वहां पर कर दिया गया था और उनको सुरक्षित जो घाघरिया गुरुद्वारा है वहां पर लाया गया था, लेकिन देर रात तक तलाश जारी थी। अंधेरा होने की वजह से रात को जो सर्चिंग अभियान था वो रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद आज सुबह एक बार फिर से सर्चिंग अभियान चलाया गया और आज सुबह ही महिला का शव बर्फ के अंदर दबा हुआ मिला, जिसके बाद SDRF और ITBP की टीम ने शव को निकालने के बाद स्थानीय पुलिस के हवाले वो शव कर दिया है और उसके बाद जो पंचनामा और पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर लक्ष्मण ने हमें दिया। जो महिला श्रद्धालु थी जिनकी तलाश लगातार जारी थी, सर्च ऑपरेशन लगातार जाया जा था, उनका शव यहाँ पर बरामद कर लिया गया है। 6 में से 5 तीर्थयात्रियों को कल ही रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन जो एक महिला तीर्थयात्री थी जिनके लिए यहाँ पर सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा था, उनका शव यहाँ पर बरामद कर लिया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए आगे उसको सौंप दिया गया है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपके तमाम जानकारी के लिए। तो हेमकुंड के अटाला कोटी में हिमस्खलन आया था, जिसके चलते 6 श्रद्धालु वहां पर फंस गए थे। ऐसे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। SDRF और ITBP के जवान वहां पर मौजूद थे। ऐसे में जो 5 तीर्थयात्री थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन एक जो महिला तीर्थयात्री थी जो वहां पर फंस गई थी, उनका शव यहाँ पर बरामद कर लिया गया। कर्णप्रयाग से है, जहाँ पर मौसम ने करवट ले ली है। झमाझम बारिश वहाँ पर शुरू हो गई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बीच बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कर्णप्रयाग में मौसम ने करवट ले ली है, अचानक से मौसम का मिजाज वहाँ पर बदल गया। झमाझम बारिश वहाँ पर शुरू हो गई है। तापमान में हालांकि गिरावट आई है, लेकिन भारी बारिश के बीच जो बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले यात्री थे उनको अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत से ही मौसम खराब था, लेकिन बीच में मौसम ने थोड़ी बदलाव हुआ था, मौसम ठीक हुआ था, जिसके बाद यात्रियों को थोड़ी सी सुविधा वहां पर जाने में होने लगी थी, लेकिन अब वापस से मौसम ने करवट ले ली है। वापस से बारिश वहां पर शुरू हो गई है और जो ऊंचाई पे पर्वतीय इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में बारिश के कारण तापमान में खासा गिरावट आई है और जो यात्री हैं उनको यहाँ पर परेशानियां हुई। और श्रीनगर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को टक्कर मार दी। CCTV में ये पूरा हादसा कैद हो गया। महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। आरोपी बाइक सवार के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो फुटेज के आधार पर यहाँ पर लगातार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही CCTV फुटेज है जिसमें ये पूरा हादसा कैद हो गया। तेज रफ्तार बाइक ने महिला को टक्कर मार दी। बाइक की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके चलते आपको बता दें कि यहाँ पर महिला ने अपना दम तोड़ दिया। हालांकि महिला को जब टक्कर लगी थी तब महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला को इतनी चोटें आई थी कि वहां पर अस्पताल में उसने अपना दम तोड़ दिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। अब प्रदेश कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में मैं पीछे रहकर करूंगा सपोर्ट। कांग्रेस की सत्ता में वापसी तक नहीं थकूंगा न रुकूंगा। यूपी के साथ उत्तराखंड के चुनाव से कांग्रेस को नुकसान हुआ है, मेरी बात सुनी होती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती। ये बड़ा बयान पूर्व सीएम हरीश रावत का यहाँ पर बड़ा बयान देते हुए नजर आए। प्रदेश कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व में मैं पीछे रहकर सपोर्ट करने वाला हूँ। कांग्रेस की सत्ता में वापसी तक ना थकूंगा और ना ही रुकूंगा। यूपी के साथ उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस को नुकसान हुआ है और ऐसे में मेरी बात सुनी होती तो आज कांग्रेस सत्ता में होती।
राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और खास तौर पर हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद फिर एक बार करवट ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी। तो हरीश जी, अभी बाजुओं में बहुत जोर है। निश्चित तौर पर जिस समय तक कांग्रेस एक बार सत्ता में वापसी नहीं करती है, हरीश रावत न थकने वाला है न मेरे बाजू कमजोर पड़ने वाले हैं। जो हिमाचल और कर्नाटक के बाद जो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये उत्तराखंड से भी हो सकता था, उससे ठीक पहले उत्तराखंड था। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसके तीन फैक्टर हैं। एक फैक्टर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश को वर्चुअली इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऐसे सवाल खड़े कर दिए, उसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ता है। नंबर दो, हम कुछ चीज़ों को ठीक से सुलझा नहीं पाए। मैं अभी तक वो सामूहिक नेतृत्व को खोज रहा हूँ, जिस सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़े थे, कहाँ है वो सामूहिक नेतृत्व, उसको खोज रहा हूँ। और तीसरी बात जो है, हमने वादे किए मगर जो एजेंडा रखा, जब मैं उस एजेंडे को रख रहा था, पर्याप्त समय पहले रख रहा था, तो उस समय हमारे साथियों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए, और जब तक हम लोग सहमत हुए और हमने उसको अपने एजेंडे का पार्ट बनाया, तब तक आधा चुनाव निकल गया और हमारे वादे, हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और आप कर्नाटक देखो, हिमाचल ने उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को, उसी गैस सिलेंडर को, उसी बिजली को, उन्हीं युवाओं को पैसे को, महिलाओं के लिए सुविधाओं को अपना आधार बनाया, जिनको हम कह रहे थे। मतलब आपका कहना यह है कि काम होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए, जो नहीं दिखा उत्तराखंड में, कर्नाटक और हिमाचल में दिखा सामूहिक नेतृत्व। हाँ, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने संजीदगी दिखाई। देखिए, जहाँ लोग होंगे, व्यक्तित्व होंगे, तो सवाल उठते हैं, उनके सबके समर्थक होते हैं, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने उस चीज़ को मैनेज किया और शायद हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। ये आपने कहा कि मैं उस सामूहिक नेतृत्व को ढूंढ रहा हूँ जो कर्नाटक और हिमाचल में अपनी क्षमता को साबित कर पाया, तो अभी जो नेतृत्व है वो सामूहिक नहीं है, इसीलिए तो हमने चतुर्भुज नेतृत्व कहा। उसमें जो है, पहले एक अनचाही भुजा मैं भी हो जाता था, मैंने अपने को पीछे कर लिया। मैंने कहा भाई, हमारी कोई अब आकांक्षा नहीं है, हम पीछे से कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले की जो प्रक्रिया होती है, यानी नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है, उसको निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण और तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है जो होनी चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि चुनाव टालने की कोशिश हो रही है, आपने भी पिछले दिनों कहा, क्या है इसके पीछे? भाजपा बेमान है, ये नहीं करवाएंगे, जानते हैं नगर पालिकाओं के चुनाव में हम हार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तरीके से खुली बेमानी नहीं कर पाएंगे, यहाँ कांग्रेस सजग है। क्या एक नई लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है निकाय चुनाव को समय पर करवाने के लिए? मैं समझता हूँ आपके सुझाव को कांग्रेस, आपके प्रश्न को कांग्रेस को सुझाव मानना चाहिए। लोकसभा की बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि टाइम उसमें भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इलेक्शन ईयर लगभग शुरू हो गया है। तो हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ना है, हरिद्वार आपकी पुरानी कर्मस्थली और राजनीतिक क्षेत्र और वैसे तो पूरा राज्य ही है, तो आप की तरफ से ये भी एक बातें आ रही हैं कि जब वो वापसी हुई थी उनकी कांग्रेस में, तो दो शर्तें हुई थी कि दो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक ये शर्त भी हुई थी, क्या ये सच है? इस पर मैं कोई बात, देखो पार्टी की बातें मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करता, जो हकीकत है वो सब जानते हैं। और एक यूनिफॉर्म फॉर्मूला है, जिन लोगों ने 2016 के अंदर सरकार गिराई, उन्होंने लोकतंत्र के साथ भी ज्यादती की, कांग्रेस के साथ भी ज्यादती की, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। यदि वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस आज भी, उस समय भी सत्ता में होती, आज भी सत्ता में होती। तो कम से कम ऐसे लोगों को जो है एक बार प्रतीक्षा करके कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए, और जब काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है चीज़ें समय माफ़ करता है। धन्यवाद हरीश जी, आपने समय दिया। तो ये थे हरीश रावत जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, स्मार्ट सिटी से लेकर निकाय चुनाव से लेकर 2024 की क्या तैयारी है और सरकार को क्या करना चाहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तमाम मुद्दों पर उनसे बहुत विस्तार से बात हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनवर रावत के साथ मुनि की रेती से विवेक गंगा के लिए अजीत सिंह राठौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
देहरादून में आज महानगर कांग्रेस का प्रदर्शन होने वाला है। देहरादून कचहरी परिसर में विरोध प्रदर्शन होगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों की बर्बादी का यहां पर आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया जाएगा। अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया गया। तो तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है। महानगर कांग्रेस का ये प्रदर्शन होने वाला है। देहरादून कचहरी परिसर में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसों की बर्बादी है उसके आरोप के तहत यहाँ पर इस पूरे प्रदर्शन को किया जाएगा। और आपको बता दें कि अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने का भी यहाँ पर आरोप लगाया गया है। देहरादून में कचहरी परिसर में ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। अधिकारियों पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप के तहत यहाँ पर पैसों की बर्बादी का आरोप लगाते हुए इस प्रदर्शन को किया जाएगा। रवि केंतुरा हमारे सहयोगी और जानकारी उनसे लेंगे। रवि, ये प्रदर्शन कहां पर होने वाला है, कितने बजे होने वाला है? बिल्कुल हर्षा, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन की बात आई है, क्योंकि जब से भी स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है तब से लगातार कांग्रेस भाजपा पर हमला बर रही है और स्मार्ट सिटी के कामों को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी लगातार नाराजगी रही है। यहां तक कि स्मार्ट सिटी के कामों में खुद भाजपा के विधायकों ने भी कई बार धरना देने की बात कही है, चाहे यहाँ के राजपुर विधायक खजान दास हों या फिर धर्मपुर के विधायक हों, इन्होंने लगातार स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाए हैं, मेयर ने सवाल उठाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस सरकार के कामकाज में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है उसमें अधिकारियों की इतनी बड़ी लापरवाही पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ऐसे में स्मार्ट सिटी काम लगातार जो चल रहे हैं उसमें तमाम खामियों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और यही वजह है कि आज महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय में यह प्रदर्शन होने जा रहा है और इस प्रदर्शन में आज एक बार फिर कांग्रेस अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कहेगी और अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। सरकार को लगातार ये बात कह रही है कांग्रेस कि स्मार्ट सिटी के कामों में जिस तरीके की ढिलाई देखने को मिली है उसमें कभी कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। तो यही वजह है क्योंकि अब मानसून सीजन बहुत करीब है और एक बार फिर से जब मॉनसून सीजन आएगा तो अभी देहरादून के सड़कें पूरी तरीके से खुदी हुई हैं और फिर से इस तरीके की दिक्कतें शहर में देखने को मिलेंगी। लेकिन स्मार्ट सिटी के जो तय सीमा थी काम को पूरा करने की वो एक बार जा चुके हैं, उसके बाद फिर से बढ़ाया गया। अब 2024 तक स्मार्ट सिटी के तमाम कामों को पूरा करना है लेकिन अभी भी शहर में अगर सड़कों के हालात देखेंगे तो वो जस के तस बने हुए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और आज भी जिलाधिकारी कार्यालय में कचहरी परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हरिद्वार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने वाले आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। हार्डवेयर व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हार्डवेयर व्यापारी से फोन पर रंगदारी मांगी गई थी और नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का लिया गया और ये बोला गया था कि अगर रंगदारी नहीं दी गई तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहा जाए। और ऐसे में जो आरोपी थे जिन्होंने फोन के द्वारा ये रंगदारी मांगी थी, ये धमकी दी थी, अब उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, वो भी संगीन धाराओं में। तो बड़ी कामयाबी पुलिस को यहाँ पर हाथ लगी। फोन को ट्रेस किया गया जो रंगदारी व्यापारी से मांगी गई थी, उन सभी आरोपियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे व्यापारी हरिद्वार के श्री माहेश्वरी जी के द्वारा सूचना दी गई, अज्ञात नंबर से एक कॉल आई थी और एक गैंगस्टर बिश्नोई के नाम से, जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, इनसे अवैध रूप से जो है रंगदारी की डिमांड की गई थी। इस पर इन्होंने सूचना पुलिस को दी थी, पुलिस द्वारा इसमें एक्सटॉर्शन का मुकदमा दर्ज किया गया था। दो अन्य व्यापारियों को भी धमकी भरे कॉल गई थी, जिसमें रायवाला देहरादून में भी दो मुकदमे एक्सटॉर्शन के दर्ज किए गए थे। विगत एक दिन पहले ही दो तारीख को फिर से व्यापारी के पास कॉल आती है, उनके द्वारा अन्य नंबर से कॉल की जाती है और इस बार डिमांड करने के बाद झगड़े बताई जाती है कि ऑर्डर को परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है। पुराग्रसी की गई, उसमें हमने दो लोग को इस पर अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।